समझता है कि इस देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसके खिलाफ अन्ना हजारे साहब ने और उनकी टीम ने और उनके हजारों लाखों वॉलंटियर्स ने हिंदुस्तान के हर इलाके से या हिंदुस्तान के बाहर से जो एक मुहिम उठाई है उसमें एज ए नागरिक मेरा साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सबकी निजी ज़िंदगी पर, हमारी सबकी पारिवारिक ज़िंदगी पर, हमारे मौलिक अधिकारों पर, ये सब पर एक टिप्पणी है। और अगर हम बाहर निकलकर इसका समर्थन नहीं करेंगे या इसमें बहुत ही ज़ोर शोर से भाग नहीं लेंगे तो आने वाली जो पुश्तें हैं, जो हमारे आने वाली जो बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं हमारे, उनको एक ऐसा देश मिलेगा जो अंदर से खोखला हो चुका होगा। मुझे लगता है कि पहली बात तो इस तरह के आंदोलन को संख्या के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए। हमारे जो बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये श्रद्धा है, जिनके मन में ये भावनाएं हैं, वो भी साइलेंटली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि अन्ना हजारे इसके सरगना हैं, इसके हमारे लीडर हैं इस आंदोलन के, उनके आने से ज़रूर एक ब्लड इन्फ्यूज़ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाखों हज़ारों लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर में आएँ, चाहे वो अंधेरी स्टेशन पर आएँ या ना आएँ, लेकिन हमारा उनका साथ हमें साफ नज़र आता है। भ्रष्टाचार को ही जो है ख़त्म करने के लिए कोई भी किस्म का मुद्दा हो, चाहे वो मंत्रियों के खिलाफ हो, चाहे वो किसी चीज़, देखिए देश आजकल किस किस मुद्दे से गुजर रहा है। आप आसाम में देख लीजिए दंगे हो रहे हैं, आप कहीं पर देख लीजिए बलात्कार हो रहे हैं, कहीं देख लीजिए भ्रष्टाचार चल रहा है। एटलीस्ट पिछले एक साल में या पिछले डेढ़ साल में अब हम भ्रष्टाचार की बात खुलेआम से करते हैं, वो मीडिया भी करता है, हम भी करते हैं और आम जनता भी करती है, तो मुद्दा ये दबेगा नहीं, इस पे हमेशा इस मुद्दे की जीत होगी। बिकॉज ये मुद्दा सिर्फ 5 लोगों का या 10 लोगों का या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का या टीम अन्ना का नहीं है, ये आम नागरिक का है। और जब एक नागरिक को इस बात से परेशानी होती है तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं दबता है। आज़ादी की लड़ाई का मुद्दा 100 साल तक नहीं दबा था, जब तक आज़ादी हासिल नहीं हुई, तो ये कदम है। बार बार लोग बोलते हैं कि जन लोकपाल आने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अरे कोशिश तो करके देखें, शायद बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, शायद बहुत हो सकता है हमें एक ऐसी सरकार मिले जो हम चाहते हैं, एक ऐसा प्रशासन मिले जिसमें भ्रष्टाचार कम हो। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है और हमें उठानी चाहिए।